मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर कल मतगणना होगी। वहीं मंगलवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना में शामिल कर्मचारियों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को उनके आइडेंटिटी कार्ड को ही देखकर प्रवेश दिया जाएगा। वही बात अगर मध्य प्रदेश में मुख्य लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर की करें तो करीब 1000 पुलिसकर्मी मतगणना केंद्र के दौरान स्थानीय लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय यानी MLB कॉलेज में उपस्थित रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रुचिका चौहान ने मतगणना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो शाम 4 बजे तक ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पोरी और करेरा में मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण वहां 19 और 20 राउंड मतगणना के रखे गए हैं, जबकि 3 विधानसभाओं में 13-13 राउंड की मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह 6:30 पर स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोला जाएगा और इसके बाद मतगणना स्थल पर ईवीएम को ले जाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार ग्वालियर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए 4 तारीख को MLB कॉलेज में 8 बजे हम लोग मतगणना प्रारंभ करेंगे। 6:30 बजे हम अपने ईवीएम के स्ट्रांग रूम को खोलेंगे और उसी के साथ ही हमारे काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग की पूरी टीम का MLB में प्रवेश प्रारंभ होगा। ये प्रवेश सभी लोगों का विद आईडी कार्ड्स होगा, यानी अधिकृत लोग ही अंदर आने के लिए परमिटेड रहेंगे। इन लोगों के पास में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कोई कैलकुलेटर्स इत्यादि की परमिशन नहीं रहेगी। जो निर्धारित आई कार्ड अपना लाएंगे उनको बड़ी स्मूथली अंदर हम लोग अपने उनके कक्षों तक पहुंचाएंगे और 8 बजे जो विधिवत समय है उसमें काउंटिंग प्रारंभ की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी अलग अलग ड्यूटीज में ऑफिसर्स और सभी लोग पोस्टेड रहेंगे और इस पूरी व्यवस्था का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करेंगे। कक्षों में जो 8 बजे हमारी स्टार्ट होगी तो हमारे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चक्र अनुसार अलग अलग स्थिति बन रही है। तो हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 13 चक्रों में रिजल्ट ईवीएम का हम लोग अनाउंस कर पाएंगे और पोहरी और करेना में चूंकि मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो अधिक है तो वहाँ पर जो चक्र संख्या है वो 19 और 20 आ रही है। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि हम